क्योंकि मेरे को यहाँ पे आए 15 दिन हो गए हैं, तो मेरे को यहाँ पे अभी तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। इतने कमीने आए, जब रूम ले रखा था दो दो बोतलें पानी की देके जा रहे थे, फिर अब एक बोतल मांगी पानी की दी नहीं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर आप थाईलैंड आ रहे हो ना, कुछ ग्रैब नहीं है। सब लोग ऐसे कहते रहते हैं ग्रैब ऐप करो, ग्रैब ऐप कुछ नहीं है भाई। बहुत ज़्यादा सामान हो गया, बस अंदर हमें ढंग से ना ज़रा पास मिल जाए, बोर्डिंग पास। एयरपोर्ट से अंदर आ रहा था ना, तो मुझे बड़ा डर सा लग रहा था कि ये बस ये दिक्कत ना हो जाए कि जो ये बोल देंगे आपको कोविड रिपोर्ट भी चाहिए। तो 50% मैं श्योर था कि ये रूल अब ख़त्म हो गया है। कल लगे जा चुके हैं, अपना लगेज ही नहीं आया, पता नहीं क्या चक्कर है, कहाँ रह गया, आना तो इसी पे चाहिए था अभी तक। ये तो रुक गई है बेल्ट, ये क्या? अभी एक ब्लॉग ख़त्म करके हटे हैं और साथ के साथ हमने दूसरा ब्लॉग शुरू कर लिया है, क्योंकि व्लॉग हो जाता है लंबा, फिर हम नहीं चाहते ज़्यादा व्लॉग लंबा करना। इससे पहले वाला व्लॉग आपने जो देखा काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, आई होप आपको, पूरा आइकॉन से आम दिखाया आपको। तो गाइस अभी तो हम जा रहे हैं वापस अपने होटल, और अपने होटल पे जाके उसके बाद हमने जाना है एयरपोर्ट। पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि हमारी जो फ़्लाइट है वो लेट हो चुकी है, 12:25 पे अब फ्लाइट। अब देखते हैं, अगर तो हमारे होटल रूम में हमें आज के लिए रूम मिल गया तो फिर रूम में रुक जाएंगे, आराम से उठ के जाएंगे। नहीं मिलता तो एयरपोर्ट पे ही जाना पड़ेगा, वहीं पे देखें टाइम स्पेंड करेंगे अपना। तो इस व्लॉग में हम इंडिया पहुंच जाएंगे और आपको जाके दिखाते हैं हम क्या क्या लेके आए हैं। तो सब कुछ आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा, तो बने रहना इस व्लॉग पर। सबसे पहले तो ये देखो गाइस, पटेक फिलिपी, और अभी आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये देखो गाइस, आई थिंक ब्लर हो रहा है, ये भी पटेक फिलिपी है बट ये फर्स्ट कॉपी है। सो मैंने जब ये वॉच ली थी ना, मुझे नहीं पता था कि शायद ऐसा कोई ब्रांड होता भी है कि नहीं होता, बट यहाँ पे आके जब देखा ना तो तोते उड़ गए। इसकी जो असली वॉच है वो कम से कम भी है 8 से 9 लाख रुपए के आसपास। स्टार्टिंग रेंज तो वैसे है 2-2.5 लाख से शुरू, पर मैक्सिमम 8-9 लाख, और अपर तो पता नहीं कितने हैं। और ये देखो गाइस, इधर है रोलेक्स, ओ माय गॉड, अभी तो इन्होंने उठा दी, शायद क्लोज हो चुका है। सो गाइस मॉल वगैरह घूम के हो चुके हैं जी फ्री, और टांगों के नीचे से आग निकल रही है। इतना ज़्यादा बड़ा मॉल है ना, एक तो चलना बहुत पड़ता है यहाँ पे। जब हम इंडिया में होते थे तब वहाँ पे हमारा जो एक फ़ोन में ऐप होता है ना गूगल का, फिट ऐप, उसमें बिल्कुल भी एक्टिविटी ही नहीं होती थी कोई। और यहाँ पे तो डेली मैसेज आता है, यू कंप्लीटेड योर गोल, मतलब इतना चल लेते हैं हम यहाँ पे। बढ़िया भी ये चीज़ की, क्योंकि मेरे को यहाँ पे आए 15 दिन हो गए हैं, तो मेरे को यहाँ पे अभी तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई कि मुझे गैस बन रही है, या मेरे को इधर दर्द हो रही है, उधर दर्द हो रही है, कहीं मेरे यहाँ दर्द हो जाती थी। सो ऐसा कुछ मेरे को फेस करने को मिला नहीं, तो ये बढ़िया चीज़ है। यही अब रूल हम इंडिया में भी फॉलो करेंगे, वहाँ पे भी हम अच्छे से दौड़ेंगे, सैर करेंगे, चलेंगे, पैदल चलने जितना पैदल चल सकते हैं उतना चलेंगे। सो फिलहाल तो जी टाइम हो रहा है, अभी 9:30 हो चुके हैं, अंधेरा ही अंधेरा है। फिलहाल अभी मिलते हैं आपको होटल जाके, उसके बाद वहाँ से सामान उठा के हमने जाना है एयरपोर्ट, और वहाँ पे देखते हैं क्या सीन है चल के। एक मेरे को अभी ये नहीं पता एयरपोर्ट पे, ये जो अभी नया रूल आ गया ना कि अभी कोविड रिपोर्ट नहीं चाहिए आपको वापस आने के लिए इंडिया। सो मैंने और कृतिका ने अभी कोई कोविड रिपोर्ट वगैरह नहीं करा रखी, सो ये वहाँ पे जाके पता लगेगा, इसीलिए हम रात को भी जा रहे हैं ताकि हमें ना थोड़ा पहले ही पता चल जाए सारा कुछ ना, फिर एट द टाइम जाए कोई दिक्कत ना हो जाए। सो इसलिए फिलहाल पहले ही चले जाते हैं, वो जैसे तैसे करके एडजस्ट कर लेंगे। अब एक रात की बात है, उसके बाद तो घर पे ही जाना है, आराम से रेस्ट कर लेंगे, फिर ये भी पता चल जाएगा ना कि वहाँ पे चाहिए नहीं चाहिए। वैसे तो मुझे 99.9% तो श्योर हूँ कि नहीं चाहिए अब कुछ, अब ये रूल चेंज हो चुका है, ख़त्म कर दिया ये रूल एयर सुविधा वाला, बट देखते हैं अभी क्या बनता है, जाके आपको अपडेट दे देंगे, और आपके भी आने वाली ट्रिप में ये चीज़ आपके काम आएगी। सो गाइस अभी पहुँच चुके हैं जी अपने होटल पे, इनको मैंने बोला कि मेरे को 1-2 घंटे के लिए रूम दे दो, सालों ने रूम नहीं दिया, बड़े कमीने हैं, कह रहे नहीं पूरे दिन के लिए लो, पूरे दिन का लेके फ़ायदा क्या। अभी 11 बज चुके हैं, ये सामान वगैरह तो हमारा रेडी है जी, अभी गाड़ी आ रही है, बस गाड़ी में डालेंगे सामान और सीधा एयरपोर्ट चलते हैं। साले इतने कमीने हैं ये, जब रूम ले रखा था दो दो बोतलें पानी की देके जा रहे थे, फिर अब एक बोतल मांगी पानी की दी नहीं इन्होंने, फिर भी ये बोतल अचानक से हमें हमारे बैग में मिली गई। फिलहाल तो जी बस अभी निकल रहे हैं यार, एक तो सामान इतना ज़्यादा हो रखा है ना, मेरा दिमाग सामान ने ख़राब कर रखा है। यहाँ पे ये बड़ा सीन रहता है, अगर पुल के ऊपर से जाना है आपने फिर इनको हाईवे तो 50 बात एक्स्ट्रा, अगर वैसे जाना है तो नॉर्मल फेयर ही लगेगा जितना आपको बोल्ट पे शो कर रहा है। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, अगर आप थाईलैंड आ रहे हो ना, कुछ ग्रैब नहीं है। सब लोग ऐसे कहते रहते हैं ग्रैब ऐप करो, ग्रैब ऐप कुछ नहीं है भाई, ग्रैब वगैरह बेकार है भाई, बहुत ज़्यादा चार्जेस करते हैं, ना ही मेट्रो यूज़ करो बैंकॉक में आ रहे हो तो। सीधा सीधा सिंपल बोल्ट ऐप डाउनलोड करो अपने फ़ोन में, और उसको मतलब रजिस्टर कर लो, और उसको चाहे पताया चलाओ, चाहे फुकेट चलाओ, चाहे बैंकॉक चलाओ, भाई इतने चीप प्राइस आते हैं ना उस पर, आप इकोनॉमी बुक कर लो, टैक्सी बुक कर लो, बोल्ट बुक कर लो, बड़ी वैन बुक कर लो, जो मर्जी बुक कर लो, बाइक बुक कर लो, मिला के देख लेना कंपेयर करके, सबसे सस्ते प्राइस बोल्ट पे ही आएंगे। सो ये प्रो टिप आपको देके जा रहा हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को सिर्फ, अगर कभी भी आप थाईलैंड साइड आ रहे हो तो बोल्ट ऐप जरूर डाउनलोड करना अपने फ़ोन में। आप खुद कहोगे कमेंट करके बाद में कि हाँ भाई बड़ी सही चीज़ बताई थी, बाकी जिनको पता है ऑलरेडी उनको तो पता ही है, जिनको नहीं पता उनके लिए है स्पेशल, पक्का डाउनलोड कर लेना, बहुत काम आएगा आपके। और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं ऐसे ऑब्जर्व की हैं जो मैं घर जाकर आराम से एक व्लॉग बनाऊंगा, और उसमें सारे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या सीन चलता है यहाँ पे, वो चीज़ें आपको घर पे पता चलेंगी जब मैं घर पहुँच जाऊँगा।
सो फिलहाल तो अभी टैक्सी का वेट कर रहे हैं, टैक्सी आ जाए फिर निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। सो गाइस हमारी टैक्सी आ चुकी है जी, और बैठ के टैक्सी में ये देखो एक टच्ची कहाँ रखनी पड़ी है क्योंकि इसकी बैक साइड ना डिग्गी में है सीएनजी, सो एक टच्ची हमारी होगी डिग्गी में आ गई, एक बैग और एक टच्ची आगे रखा है। सो गाइस पहुंच चुके हैं जी स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पे, और वानी अब जा रही है वापस इंडिया। वानी यू आर गोइंग बैक। सो कैसा रहा कृतिका मेरे थाईलैंड का ट्रिप, कुछ कहना चाहोगे आप? बहुत ही मस्त है, मेरे तो जाने का मन भी नहीं कर रहा। कृतिका के जाने का दिल नहीं कर रहा। देखो हमारा सामान, भाई साहब इतना सामान, हम आए थे सिर्फ दो टैचियां लेके हल्की हल्की, और जाते टाइम अभी ये थैले देख लो, जैसे अभी अभी हम पकड़ के हमने लुधियाने की बस पकड़नी है, ऐसे हमारे पास थैले हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा सामान हो गया। बस अंदर हमें ढंग से ना जरा पास मिल जाए, बोर्डिंग पास, फिर थोड़ी टेंशन खत्म होएगी, उसके बाद इंडिया में आराम से उतर जाएं बस। एक जो हमारी फ्लाइट लेट होगी ना, ये काम ख़राब हो गया हमारा थोड़ा सा, कल 12:25 पे फ्लाइट और अभी 12 बज रहे हैं रात के। तो फिलहाल थोड़ा बोर्डिंग पास वगैरह का देखते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या बना। फिलहाल तो जी अभी एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, चलो 20% टेंशन तो हो गई है ख़त्म, अब देखते हैं अपनी फ़्लाइट का शेड्यूल वगैरह। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, अभी टाइम हो चुका है जी सुबह के 6 बज चुके हैं, और फिलहाल हमें हमारे बोर्डिंग पास जो है मिल चुके हैं जी, बड़ी ज़्यादा खुशी सी हो रही है। पहले तो फ़्लाइट थी जो, एक बार मैं पूछ लूँ जरा यहाँ पे प्रायोरिटी लाइन कौन सी है, पहले हमारी फ़्लाइट थी 8:50 पे थी, अभी थोड़ा लेट हो गई है, और लेट होने के साथ साथ ना इन्होंने हमें एक बेनिफिट दे दिया, इन्होंने हमें कूपन दिया है 350 का मेरे को और 350 का कृतिका को, कि बर्गर किंग में जो मर्जी खाओ तब तक आप, फ़्लाइट हमारी तरफ से लेट हुई है ना तो इसलिए आपको ये मतलब क्या कहते हैं उसको, हमारी तरफ से मील है आपके लिए, और फ़्लाइट में तो मील मिलेगी। तो ये बड़ी सही चीज़ लगी मुझे, भूख हमें वैसे ही लग रही थी, सब दबा के बर्गर किंग पे लेंगे जाके या कुछ भी, बड़े सारे रेस्टोरेंट हैं। प्रायोरिटी लैंड विद किड, मुझे ना सबसे ज़्यादा डर लग रहा था ना वो यही लग रहा था, सबसे पहले तो लगेज हमारा, भाई साहब लगेज है ना जो उसका पूरा टोटल वेट जो आया 73 किलो, ये तो वानी करके हम हर जगह बच जाते हैं, वानी का 10 किलो अलाउड था, मतलब टोटल 30 किलो मेरा और 40 किलो कृतिका का, सो टोटल ना 70 किलो हमें अलाउड था, और बाकी 8-8 किलो हमें कैबिन में अलाउड था, तो मैंने एक अपना जो बैग था कपड़ों वाला वो उसमें रख दिया, टोटल मतलब 65 किलो वेट हो गया, और एक बैग भारी वाला अपने पास रख लिया, मैं कहा चलिए इसको कैबिन में ले जाएंगे, वरना टोटल जो था 73 पॉइंट कुछ बन रहा था, तो फिर 3 किलो का एक्स्ट्रा बैग लग रहे थे, मैं कहा चलिए एक को कैबिन में ले जाएंगे सेटिंग बैठ जाएगी। सो सही हो गया सिस्टम अपना, उसके बाद हम फिर सिक्योरिटी चेक वगैरह के लिए जा रहे थे, वहाँ पे प्रायोरिटी लाइन थी, वैसे वो बिजनेस क्लास के लिए होती है या फिर जिनके साथ बच्चे होते हैं उनके लिए होती है, सो हमारे साथ वाणी थी तो उन्होंने कहा चलो आप प्रायोरिटी लाइन से चले जाओ, वहाँ से बस 10-15 मिनट में ही अपना चेक इन चुक इन हुआ, और भाई ख़त्म कहानी। अभी फिलहाल तो एयरपोर्ट के अंदर पहुँच चुके हैं। एक तो यार यहाँ पे गुच्ची के शोरूम ऐसे है ना जैसे भाई साहब किराने की दुकान होती है, जैसे 7-Eleven है ना थाईलैंड में, वैसे गुच्ची के शोरूम है यहाँ भाई, देखो एयरपोर्ट पे गुच्ची का शोरूम। सो फिलहाल तो जी घूम रहे हैं हम ड्यूटी फ्री में, और वाणी को नींद आ रखी है बड़ी दबा के, इनको इधर शोरूम है जी नैल पराडा, भाई बैंकॉक का भी जो एयरपोर्ट है ना बड़ा ज़बरदस्त है। वैसे मैंने एक बार देखी वाणी हमारी बड़ी समझदार है, वाणी जय कर दो, जय कर दो जय। ये देखो इसको दिखे हैं यहाँ पे भगवान जी, इसको पता है कि ये यहाँ के भगवान है, ये देखो वाणी जय कर दो, जय कर दो, वाणी जय जय करो, जय वाणी जय जय करो, जय देखो जय कर रही है, पता है इसको कैसे जय करते हैं। चला कर दी आगे फिर ड्यूटी फ्री से कुछ देख लें। लगेज देने के बाद भी ना अभी मैं फुल पैक हो रखा हूँ, ये देखो जरा एक बैग है पीठ कमर पे है मेरी बहुत भारी वाला, अरे कृतिका के पास भी है बट ये छोटा है, चलो बस अब इंडिया ठीक ठाक है, हमारा सामान है जो बाहर निकल जाए एयरपोर्ट से, जिस हिसाब से हमने उसमें जूते चप्पलें भर रखे हैं ना भाई साहब, अभी हाथ में भी ये जूते ही हैं मेरे, एक जोड़ी जो आज लिए मैंने केड़े मॉल से लिए, मैं तो ना भूल जाता हूँ सियाम केड़ा है वो, एक तो इतने मॉल हैं यहाँ पे, कृतिका नाम बता दे उसका, आईकॉन सियाम से लिया हमने। सो सही रहा सिस्टम, बाकी कैसी रही कृतिका फिर हमारी ट्रिप, फाइनली अब इंडिया जा रहे हैं हम, बहुत अच्छी रही, मेरे तो जाने का मन नहीं था, कृतिका का तो जाने का ना मन सा नहीं कर रहा था, मैं कहा देख जाना तो पड़ेगा, मैं कहा वरना यहाँ फिर तुझे वही मछलियाँ बेचनी पड़ेंगी, वो पतली पतली सी वो जो घुमा घुमा के दे रहे मछली पत्तों के जैसे। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है जी 7 बज चुके हैं सुबह के, और नींद आँखों में बड़ी ज़्यादा भरी हुई है, और अभी हमने ऐसी सीटें देखी और वहाँ पर बैठ गए हैं ड्यूटी फ्री के पास ही, कोई पता नहीं कौन सा गेट नंबर है, अभी हमारा जो गेट नंबर है ना वो हमें मिला नहीं है, अभी 9-10 बजे के आसपास हमें पता चलेगा कि हमारा गेट नंबर कौन सा है, तो फिर उस गेट नंबर पे जाके आराम से बैठ जाएंगे। अभी फिलहाल तो वाणी को भी नींद आ रही थी, कृतिका को भी नींद आ रही थी, मैं कहा चलो तुम यहीं पे रेस्ट कर लो 2-3 घंटे, अभी तो 12:25 पे है हमारी फ़्लाइट,
और अभी देखते हैं हमें जो कूपन मिले हैं ये भी यूज़ करके आएंगे। ये सही है, अगर एयरलाइन की तरफ से डिले होता है तो वो कूपन प्रोवाइड करते हैं। इंडिया में भी हमारी फ़्लाइट आते टाइम डिले हुई थी पर उन्होंने कोई कूपन नहीं दिया, पर यहाँ पे नेक्स्ट लेवल सर्विस है इनकी, उन्होंने कूपन दिया स्पेशल 350-350 बात का कि आप अपना आओ यहाँ पे कुछ भी खाओ और मतलब 350 बात का पर पर्सन खा सकते हो कुछ भी। और मॉल वगैरह जहाँ भी मैंने शॉपिंग की थी ना वहाँ सारी जगह से मैंने वैट रिफंड का सारा कुछ प्रोसेस ले लिया था ताकि मुझे एयरपोर्ट पे आती वैट रिफंड मिल जाए। सो मुझे यहाँ पे फिर अब वैट रिफंड मिल गया, अराउंड मुझे मिला है 500-600 बात मुझे वैट रिफंड मिल गया, कैश दे दिया इन्होंने। सो सही रहा ये भी सिस्टम, चलो 500-600 बात बच रहे हैं तो बचा लो, कोई ज़्यादा हासिल नहीं हुई। बस बाहर वैट रिफंड का एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ से आप बोर्डिंग पास लेते हो वहाँ से आप स्टैंप मरवा लो, उस पर अपने कागज़ सा मिल जाएगा आपको, जहाँ भी आप बोल देना जिस मॉल में भी आप शॉपिंग कर रहे हो ना वहाँ बोल दो कि वैट रिफंड चाहिए, बस वो आपको एक पेपर सा दे देंगे उस पर आप यहाँ पे एयरपोर्ट पे आके स्टैम्प भरवाओ। और उसके बाद फिर अंदर जब आप आओगे सारा कुछ क्लियर करके यहाँ पे आपको बैटरी फंड का काउंटर दिखेगा, वहाँ पे जाओ वो दो रिसिप्ट और वो सारा अपना साइन वन करवाएंगे और आपको कैश दे देंगे। तो कैश को यहीं पे खर्च खुर्च कर देंगे, अभी 500-600 बात ही हैं, कुछ ले जाऊँगा सामान वगैरह ड्यूटी फ्री से। जब मैं एयरपोर्ट से अंदर आ रहा था ना तो मुझे बड़ा डर सा लग रहा था कि बस ये दिक्कत ना हो जाए कि जो बोल देंगे आपको कोविड रिपोर्ट भी चाहिए, तो 50% मैं श्योर था कि ये रूल अब खत्म हो गया है एयर सुविधा वाला, कुछ नहीं अब पोर्टल पे कुछ अपलोड नहीं करना और ना ही कोई रिपोर्ट वगैरह चाहिए, बट 50% मेरे को डर था मन में थोड़ा सा, बट वो मेरा डर यहाँ पे पहुँचते ही खत्म हो गया जब इन्होंने बोर्डिंग पास वगैरह दिया। कुछ भी नहीं मांगा इन्होंने, जस्ट पासपोर्ट देखे और वेट वगैरह किया और बस साथ ही बोर्डिंग पास दे दिया इन्होंने, कुछ नहीं मांगा। और बस ये कह रहे हैं कि इंडिया में हो सकता है आपका, अगर आप मतलब उनको लगता है कि आपको थोड़ा बहुत मतलब उनको सिम्टम्स लगते हैं तो ऐसा तो अपना कुछ है नहीं है। और एक और प्रो टिप दे देता हूँ, मुझे भी किसी ने बताई थी, जब आप इंडिया में उतरोगे ना फ्लाइट से तो वहाँ पे आप जब आगे पैसेंजर को निकल लेने देना, 4-5-6 पैसेंजरों को, 10 पैसेंजरों को, उसके बाद ही आप निकलना, वरना जो शुरू शुरू जो 3-4 आते हैं उनको पकड़ के वो कोविड टेस्ट कर देते हैं, ऐसा कुछ सुना है मैंने, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है ये नहीं मुझे पता। फिलहाल तो अभी एयरपोर्ट पे टहल रहा हूँ, बस अब मेरे को एक डर और लग रहा है कि वहाँ पे जाती ना जो हमारे बैग में सामान है तो वो मतलब क्लियर हो जाए, कस्टम वस्टम का कोई चक्कर ना पड़े। ऐसा कुछ है भी नहीं यार, मतलब नॉर्मल सारा अपने लिए शॉपिंग की है हमने, उनसे बेचने के लिए कुछ लिया है। सो देखते हैं अब जाके क्या बनता है। सो फिलहाल अब मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ हूँ, कुछ खा पी लेते हैं और मैं मिलता हूँ सीधा आपसे अब फ्लाइट में। फाइनली बोर्डिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी है हमारी फ़्लाइट की और अभी टाइम रहा है 12:15, काफ़ी लेट हो गई फ़्लाइट ना। सो फिलहाल तो जी अभी बस थोड़ी देर में फ़्लाइट में बैठने वाले हैं, और नींद बड़ी ज़बरदस्त वाली आ रही है। ये खड़ी है जी सामने हमारी फ़्लाइट, अभी लगेज वगैरह लोड किया जा रहा है, उसके बाद फिर हमें लोड करेंगे। दूर से देखने में कितना छोटा सा लगता है प्लेन, पास में आकर देखो क्या साइज होता है इसका, ह्यूज इतना बड़ा, और इससे ही बड़े बड़े हैं यहाँ पे तो। सो फाइनली गाइस फ्लाइट के अंदर बैठ चुके हैं जी, नींद इतनी ज़्यादा आ रही है ना कि बस फ्लाइट अभी टेक ऑफ करेगी और मैं आराम से सो जाऊँगा, बड़ी ज़बरदस्त वाली नींद आ रखी है। और अभी 4 घंटे लगेंगे हमें दिल्ली पहुंचने में, यहाँ पे टाइम हो रहा है 1:18 और वहाँ पे टाइम हो रहा है इंडिया में 11:48। सो फ्लाइट अभी करने वाली जी टेक ऑफ, बाय बाय थाईलैंड, थाईलैंड को बाय बाय बोल के जा रहे हैं, जल्दी आएंगे फिर से दोबारा घूमने के लिए। कृतिका बाय बाय बोल दे थाईलैंड को। कृतिका का तो दिल इतना उदास हो रहा है ना जैसे पता नहीं क्या ही, मतलब इसने यहाँ पे क्या इसका दिल लगाया यहाँ पे, तो कह रही है मेरे को तो बस यहीं छोड़ दो। लाइफ यहाँ की है भी ऐसी, बीच लाइफ है ना जो बताया कि बड़ी ज़्यादा सेक्सी है, ज़बरदस्त है एकदम। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है जी इंडिया के हिसाब से 3:00 और आधे घंटे में हमारी फ़्लाइट लैंड कर जाएगी, और भाई बादलों में ना क्या ही सही व्यू आ रहा है। फाइनली पहुंच गए हैं जी अपने इंडिया में, और अभी टाइम हो रहा है 5:09 इंडिया के हिसाब से, अब टाइम बताएंगे हम इंडिया के हिसाब से। सो फिलहाल तो बस लैंडिंग की तैयारी है और बाहर का व्यू जो है थोड़ा थोड़ा दिल्ली दिखना शुरू हो गया है। फाइनली इंडिया की धरती पे हम लैंड कर ही चुके हैं, मज़ा आ गया भाई इस ट्रिप पे, ट्रिप सक्सेसफुल। फाइनली अपने इंडिया के एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं जी, दिल्ली एयरपोर्ट, और अभी बस बाहर निकल रहे हैं अपना सामान वगैरह लेके, बाहर हर्ष कर रहा है वेट टर्मिनल 3 पे, अपना गाड़ी आ गई अपनी। सो
तो उसमें बैठते हैं और चलते हैं। हालत बड़ी ज़्यादा वाली ख़राब रखी है, नींद बड़ी ख़तरनाक आ रखी है ना कृतिका, नींद आ रही है। A few moments later. सबका लगेज आ चुका है, अपना लगेज ही नहीं आया, पता नहीं क्या चक्कर है, कहाँ रह गया, आना तो इसी पे चाहिए था अभी तक। ये तो रुक गई है बेल्ट, ये क्या, अरे हमारा लगेज कहाँ है। सो गाइस फाइनली आ चुके हैं जी बाहर एयरपोर्ट से, तो अभी हर्ष की वेट कर रहे हैं, उसको बोला 4 नंबर गेट पे आ जा। कितने का यहाँ रुक ले आ रहा है वो, पता नहीं कहाँ है वो, कह रहा था मैं आ गया हूँ। तो जी आ गया जी हर्ष, क्या हाल है, किधर है गड्डी, हैं उधर क्यों जाइए, चलो फिर इतना सामान ले आओ ब्रदर। अरे देखते सही तू, लेके गई थी 39 किलो, लेके आए हैं 75-80 किलो। हेलो मानी, मानी तो बेचारी परेशान हो गई है, कितने दिन के बाद अपनी गाड़ी देखने को। मानी जाना नहीं क्या, ओ चलो 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 चलो,